हेलो एवरीवन, वेलकम गाइस, स्वागत करती हूँ आप सभी का। इसमें देखेंगे आपके पार्टनर आज देर रात क्या सोच रहे हैं, उनके मन में क्या है, दिल में क्या है, आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपके लिए, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फोकस अपनी पर्सन पर बना कर रखिए, साथ में यूनिवर्स से प्रेस ज़रूर कर लीजिएगा। टाइम बेस रीडिंग है गाइस, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, सब के लिए है। तो आज देर रात क्या है आपके पार्टनर के फीलिंग्स, क्या चल रहे हैं उनके मन में, उनके दिल में आपके लिए। ये कोई भी हो सकते हैं, ठीक है, जो भी आपके मन में है उनके एनर्जी देखेंगे हम, क्या है उनके दिल में आज देर रात। इनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है ऐसा हो सकता है, इन्होंने धोखा दिया है, या तो आपके साइड से धोखा मिला है इनको, ये ऐसा फील कर रहे हैं, या तो इन्होंने खुद आपको धोखा दिया है, ठीक है। इनके साथ आपका ब्रेकअप हुआ है मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। आज आप दोनों अलग हो, ये किसी और से शादी कर लिए, या शादीशुदा थे जो छिपाए आपसे, ऐसा कुछ हो सकता है, या तो कोई एक व्यक्ति यहाँ पर शादीशुदा है, कोई एक यहाँ पर ऐसा फील कर रहा है कि उसने मुझे धोखा दिया, चीट किया, किसी एक के साथ यहाँ पर इनजस्टिस हुआ है, ठीक है। यह शादी का वादा हुआ बट शादी नहीं हुआ, या लगा कि शादी होगा, हो कि आप दोनों की शादी, ये जो कनेक्शन है आगे बढ़ेगी, ग्रो करेगी, साथ में आओगे, बट यहाँ पर कुछ ना कुछ छिपा हुआ था, ठीक है। ये ऑलरेडी मैरिड थे, ये तो आप हो, कुछ ना कुछ था यहाँ पर जो कि छिपा हुआ था, अब सामने आ गई है, ये तो बहुत जल्द आने वाली है। पर मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ ऑलरेडी आपको पता है, जो नहीं पता था आपको, जिसके बारे में नहीं जानते थे, वो आज आपको पता चल चुका है, और आप दोनों का ब्रेकअप हो चुका है, आप दोनों ब्रेकअप पर हो, ब्रेक में हो आप दोनों। कोई यहाँ पर किसी और के साथ इन्वॉल्व है, किसी और के साथ है, ये चांसेस है, बट मैं ऐसा देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है, अगर किसी और के साथ हैं फिर भी स्ट्रगल कर रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से आप स्ट्रगल कर रहे हो, या आपको अकेला छोड़ा, इन्होंने आपको हर्ट करा, आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली काफ़ी डिस्टर्ब रहे हो, कहना चाहिए कि आपकी लाइफ ऐसा था कि सब कुछ ख़त्म सा हो गया है, एंड हो गया है, इनके बिना सर्वाइव करना बहुत मुश्किल रहा है आपके लिए, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मुश्किल रहा है आपके लिए खुद को संभालना, अगर इन्होंने धोखा दिया है, इनके साइड से आपको धोखा मिला है तो, ठीक है। बट आपने खुद को संभाला है, ठीक है, यूनिवर्स ने, हायर सोर्स ने, आपकी फैमिली ने, आपकी लव्ड वंस ने, आप प्रोटेक्टेड हो, ठीक है। तो मैं ऐसा देख पा रही हूँ जिस तरीके से आप स्ट्रगल कर रहे हो, या आप हो, जो भी आपका सिचुएशन है, बट ये जो पर्सन है मुझे स्ट्रगल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं, जब जब अपने लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, बढ़ रहा है या बढ़ रही है, जो भी ये हैं, मेल फीमेल मैटर नहीं करता, जो भी जेंडर के हैं, ठीक है, सभी जेंडर वालों के लिए है, सबके लिए है रीडिंग। तो जो भी ये पर्सन है आपको मिस कर रहे हैं, आपके बिना आज ये जो इनकी ज़िंदगी है, लाइफ है, वो क्या हो चुकी है। इनको ना ऐसा लग रहा है कि जो आपसे मिलता था, जो आपके पास था, वो अब नहीं है, आज ये अकेले हैं, अकेले आगे बढ़ रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं अपने लाइफ में, मुश्किल हो रहा है इनके लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना, आपके बिना आगे बढ़ना। मैं ऐसा देख पा रही हूँ, आई थिंक इस पर्सन को एहसास नहीं था कि आपसे इमोशनली जुड़ चुके हैं, या आपसे प्यार इनको हो चुका है, लगा कि आपसे अलग होकर आपके बिना इनकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो सकती है, बट नहीं, ऐसा नहीं है, आज कुछ और ही है, आज इनके मन में, इनके दिल में आप हो,
मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी इन्होंने आपके साथ करा है जाने अनजाने में, सब कुछ इनको काफी याद आ रही है। बिल्कुल यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है इनको एहसास हो रहा है अगर इन्होंने आपको हर्ट करा है तो कितना आपको हर्ट पहुँचाया है अपने एक्शन से, बातों से। और आज इनको आपसे प्यार हो गया है, ये आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं, अपना वर्क नहीं कर पा रहे हैं, अपने रिश्ते में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं या उनके साथ रहते हुए भी नहीं है। इनका मन कहीं और है, ठीक है, इनका दिमाग कहीं और है, सोच में किसी और की गुम है ये आपके। तो अगर ये आपसे दूर हैं या लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, मैं ना कुछ लोग के लिए ऐसा देख पा रही हूँ कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आप दोनों साथ हो सकते हो, बट कोई काफ़ी यहाँ पर फियर में है, किसी को काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ हो रही है कि कहीं जुदा ना हो जाए, बिछड़ ना जाए, हमारा जो डायरेक्शन है, हमारा जो लाइफ है वो अलग ना हो जाए, हम बिछड़ ना जाए। कोई काफ़ी इनसिक्योर हो रहा है या कोई अपने दिल की बात नहीं बता रहा है, कह नहीं पा रहा है जो दिल में है, मन में है, जबकि प्यार है, इमोशंस है, दिल आपके पास है, पर कह नहीं रहे हैं। सबके लिए पर्सन मुझे धोखेबाज नहीं दिखाई दे रहा है, या आपने मुझे लॉयल्टी ऑनेस्टी भी दिखाई दिया यहाँ पर बिल्कुल, कई लोग हो एक दूसरे को लेकर, ठीक है। अगर आपके पार्टनर आपसे दूर है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, आपको इनसिक्योर फील होने की ज़रूरत नहीं है, ये आपके हैं। अगर इन्होंने कुछ गलत किया है जाने अनजाने में, रियलाइजेशन इनको हो चुकी है, अब ये अलोन है, तन्हा है, और आपकी सोच में, आपके प्यार में मुझे गुम दिखाई दे रहे हैं। इनको प्यार हो ही गया है आपसे, जब आप दोनों आज पिछड़ चुके हो, आप दोनों की राहें अलग हो चुकी है, आप दोनों के बीच दरार आ गई है, आप दोनों के बीच दूरियां आ गई है, डिस्टेंस में हो आप दोनों, तो इनको एहसास हो रहा है कि इनको आपसे प्यार है, ठीक है, इनको आपसे प्यार है, इनको एहसास हो रही है। आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं ये, या इनके एक्शन क्या होगा आपके लिए, यूनिवर्स बताएं मुझे इन दोनों के बीच नेक्स्ट क्या होगा, क्या होने वाला है नेक्स्ट, क्या हो सकता है। मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जो लोग ट्विन फ्लेम या सोलमेट कनेक्शन में हो, स्पिरिचुअल कनेक्शन में हो, आपको एहसास होगी, आपके पार्टनर को एहसास होगी, स्पेशली उस पर्सन को एहसास होगी या दोनों को कि मेरा सोलमेट कौन है, मेरा डिवाइन काउंटर पार्ट कौन है, मेरा डीएम डीएफ कौन है, कौन है मेरा अदर हाफ, कौन है वो पर्सन जो कि मुझे पूरा करता है, जिससे मैं कंप्लीट होता हूँ, होती हूँ, किसके साथ चांसेस है आगे बढ़ने का। अगर ये आपको लेकर गलत सोचते थे, इनका थॉट्स निगेटिव था, तो क्लियर हो जाएगी, होने वाली है, ठीक है। चांसेस है आप दोनों साथ में आओ, साथ में रहना स्टार्ट करो, आप दोनों मुझे साथ में आते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है, काफ़ी ऑनेस्ट मुझे दिखाई दे रहे हो दोनों एक दूसरे को लेकर, डिसिप्लिन लव मुझे दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ऑनेस्ट लव मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपको या आपके पार्टनर को एहसास होगी कि ये जो पर्सन है मेरा डीएम या डीएफ है, और इसके बिना कोई गुजारा नहीं है ज़िंदगी का, अगर बढ़ना है आगे तो इसके साथ ही, किसी के साथ तो रहना है, किसी के साथ तो शादी करनी है, किसी के साथ तो इन्वॉल्व होनी है, तो ये क्यों नहीं, मेरा प्यार क्यों नहीं, वो क्यों नहीं जो मुझसे बहुत प्यार करता है या करती है, जिससे मैं करता हूँ, जिसके बिना मैं खुश नहीं हूँ, नहीं कभी रह सकता हूँ, ये रह सकते हैं, उनको एहसास होगी, जिनको नहीं है ये दोनों को। तो आप दोनों साथ में आ रहे हो,
जो गिला शिकवे है या जो बर्डन है या जो स्ट्रगल भरा लव लाइफ है, मैरिड लाइफ है, जो स्ट्रगल फेस है आप दोनों का, वो रिमूव हो रही है, वो ख़त्म हो रही है, दुनिया मिट रही है, साथ में आ रहे हो, रहने स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ऐसा मुझे यहाँ पर एनर्जी दिखाई दिया है। तो ये है गाइस आपकी रीडिंग, आई होप ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बाय, टेक केयर, ख्याल रखें आप अपना। गुड नाइट्स, योर ड्रीम्स, टेक केयर, लव यू ऑल।